आपको बता दें कि वाजपेयी की भांजी करुणा शुक्ला ने बीजेपी से नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि सिर्फ 2-3 लोग ही बीजेपी चला रहे हैं। वही अब कांग्रेस की तरफ से न्योता दिया गया है। वाजपेयी की भांजी करुणा शुक्ला को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ने वाली वाजपेयी की भांजी करुणा शुक्ला को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत से बात करते हैं। ब्रजेश, केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत का बयान निश्चित ही बयान चौंकाने वाला तो है ही। और सुबह जब करुणा शुक्ला ने इस्तीफा दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने सारे ऑप्शन अपने खुले रखे हैं। जब उनसे पूछा गया था कि आपके भविष्य की क्या योजना है, क्या किसी पार्टी में शामिल होंगे, तो उनका यही कहना था कि फिलहाल तो मैं दिवाली मना रही हूँ, मगर बीजेपी में लगातार उपेक्षा के चलते मैं पार्टी से बाहर आई हूँ। ना मुझे टिकट मिली है, ना कोई लगातार जिम्मेदारी दी जा रही है। पिछले तरह से 32 सालों का मेरा करियर था, मगर मुझे जिस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही, मुझे दुखी किया गया है, इससे मैं बाहर आई हूँ। उन्होंने कहा था मेरे ऑप्शन पूरे खुले हुए हैं, सबसे बात करेंगी, मगर फिलहाल क्या कहना है नहीं उन्होंने कहा। मगर निश्चित ही कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और करुणा शुक्ला पे जिस तरीके से उनको चरणदास महंत का बयान आया कि वो उनसे बात करेंगे, तो निश्चित यदि करुणा शुक्ला कांग्रेस की तरफ जाती हैं तो बीजेपी के लिए चुनाव के पहले ये बड़ा डैमेज और बड़ा नुकसान तो होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए। तो करुणा शुक्ला को कांग्रेस की तरफ से न्योता आया है कांग्रेस में शामिल होने का। टिकट नहीं मिली थी करुणा शुक्ला को, जिसकी वजह से वो नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं 32 साल से कार्यरत हूँ बीजेपी में, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अटल बिहारी वाजपेयी की भांजी है करुणा शुक्ला, आपको बता रहे हैं। करुणा शुक्ला के बारे में राजनाथ की टीम में उपाध्यक्ष बनाई गई थी, लेकिन अब उनका कहना है कि टीम जो बीजेपी है वो 1-2 लोग ही चला रहे हैं। जांजगीर सीट से सांसद रह चुकी हैं करुणा शुक्ला, काफी लंबा करियर उनका रहा है, 32 साल का करियर उनका रहा है बीजेपी के साथ, और अब उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया गया है।